हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी भैंस चली गई हैं बनने के लिए, तो मौसी जी को वे ठीक ठाक कर रही हैं। और काव को हम बांधने के लिए लेकर नहीं जाते, क्योंकि ये रास्ते में हमको बहुत परेशान करती है। हमारी काव दूध नहीं देती, कुछ दिनों बाद देगी। हम दूध लेकर जा रही हैं गोबर, मौसी जी धोएंगी गद्दे। महीनों बाद हमारी काव दूध देगी और अभी हमारी भैंस भी ड्राई है। आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कितना दूध देती है। पहली बार मैंने दिया था 12, अब दूसरी बार भी आएगी, पता नहीं कितना देगी। हमारी तो फैलो की मिल्किंग की कई वीडियो हैं। फुल मिल्किंग है, जरूर देखना मिल्किंग की वीडियो को। नेट की सफाई हो रही है, उनको धो के खड़ा कर देंगे। लाइट सुबह 5 बजे ही चली जाती है। पशु अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे, इसीलिए नल से ही चला कर पानी से धो रहे हैं। पशु जहाँ पर रहते हैं उस जगह की साफ सफाई भी बहुत जरूरी होती है, वरना कीटाणु पैदा हो जाते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में तो देखी मक्खी मच्छर और कीटाणु हो जाते हैं। ये चिंटू का खाना, इसको खड़ा कर दिया है। गोविंद भर रहा है पानी और ये हमारा प्लांट अब तो ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। और वो एलोवेरा, ये ग्रास लाए थे नाना जी खेत से। गाँव पानी पी रही है, गंदी
अगर हमारी वीडियो पसंद आती है आपको तो सब्सक्राइब अवश्य करें और किसी पर शेयर भी करें। नाना जी आ चुके हैं दफेलों को बांध कर। जितनी देखभाल आप अपनी करते हो उतनी ही पशु की भी करनी चाहिए। पशु को सब हर चीज़ की आवश्यकता होती है। गौरी और गोविंद ने घास कूट रहे हैं। घास बहुत सुंदर है यानी इसको ना समा बोलते हैं। समा का जो चावल होता है वो व्रत में काम आता है। ये चावल इसी में से निकलता है। चावल इसमें से निकलेगा निकाल के देखिए। ये समा इस इनमें से निकलता है। अब ये थोड़ा कच्चा है यानी ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और इसमें से मशीन द्वारा ये निकाला जाता है तो चापट अलग हो जाती है यानी इसका छिलका अलग हो जाता है और चावल निकल के अलग हो जाते हैं। काव चारा खा रही है। बारिश का मौसम हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बारिश ना पड़ रही हो। हर रोज डेली बारिश पड़ रही है कभी दिन में तो कभी रात में। तो हमने रमास की कोमरी से रमास की दाल तो उसकी कोमरी होती है और ये सब्जी के लिए आलू। तो अभी छत पर पिकॉक डांस कर रहा है तो चलते हैं छत पर। पहले इनको प्रेशर कुकर में उबाल लिया है। पहले ये हमने पानी में फुलाई थी फिर प्रेशर कुकर में उबाल लिया है। शाम को फुलाई थी सोने से पहले। हम कई तरह की कोमरी बनाते हैं। एक तो चने वाली कोमरी और फिर रमास की कोमरी। अरहर की साबुत दाल
की कॉमेडी बन जाती है, मूंग की दाल की भी कॉमेडी बन जाती है, साउथ मूंग की कॉमेडी बहुत ही ताकत देती है और हर चीज का एक अलग ही टेस्ट देता है। हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते हम, प्याज से भगवान को भोग नहीं लगाते, इसीलिए हमारे यहाँ प्याज खाते ही नहीं है। इसमें सभी मसाले डाल दिए हैं, फिर नींबू डालना बाकी रह गया है। तो नाश्ता तैयार है, तो नाश्ता है तैयार। मम्मी पापा सैमरी बना रहे हैं, तो किस तरीके से बनती हैं ये खटिया में मशीन को सेट किया है, खटिया देसी तरीके की है मम्मी पापा की शादी की। आज से कम 40 साल पहले ऐसी ही खटिया चला करती थी गांवों में, तो ये वही खटिया है। और इस तरीके से सैमरी बनाई जाती है, ये आटा और ये मशीन में लगाया जाता है, और इधर ये सैमरी सुखा रही हैं, गौरी हेल्प कर रही है सैमरी सुखाने में, अभी थोड़ी सी बनी है। मशीन को चलाने का थोड़ा कठिन काम होता है, वैसे तो आजकल उससे देसी जुगाड़ों से मशीनों को सेट कर लेते हैं, जैसे चक्की ट्रैक्टर में फिट कर लेते हैं, उस तरीके से भी बनती हैं। ब्रज में खास परंपरा है कि रक्षाबंधन के बाद बेटियों को सैमरी और चावल देते हैं, घी वगैरह चीनी बूरा आदि आदि सामान दिया जाता है, तो इसलिए सैमरी बन रही है क्योंकि दीदी आएंगी रक्षाबंधन पर।